उत्तराखंड से आ रही है बड़ी खबर सामने। चार धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। चार धाम यात्रा पर जा रहे हैं तो कृपया ध्यान दें, यात्रा को लेकर नियमों में हुए बदलाव। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है सामने। यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए नियमों में हुआ बदलाव। अगर आप भी चार धाम यात्रा की सोच रहे हैं तो देख लें ये नियम। उत्तराखंड चार धाम यात्रा को लेकर जारी हुए नए नियम। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के दर्शन करने के समय को 5 घंटे बढ़ा दिया गया। अब सुबह 4 से दोपहर 3 व शाम को 4 बजे से रात 10:30 बजे तक बाबा केदारनाथ के करेंगे दर्शन। यात्रियों के अनिवार्य पंजीकरण को लेकर राज्य सरकार हुई सख्त। बिना पंजीकरण कोई यात्री चार धाम यात्रा पर नहीं आ पाएगा। उत्तराखंड वासियों पर भी यह व्यवस्था हुई लागू। उत्तराखंड चार धाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर आई सामने। पंजीकरण की जांच यात्रा मार्ग पर जगह जगह की जाएगी। बद्रीनाथ में 15,000 श्रद्धालु ही कर सकेंगे दर्शन। केदारनाथ में 12,000 श्रद्धालु ही कर सकेंगे दर्शन। गंगोत्री में 7,000 और यमुनोत्री में 4,000 ही कर पाएंगे दर्शन। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए राज्य सरकार ने नए नियम किए लागू।